नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो मेरा नाम है सौरभ। दोस्तों अभी आपको पता होगा WBJEE 2020 की काउंसलिंग चल रही है। अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है, सीट अलॉटमेंट कर दिया गया है 31 अगस्त को आपको। तो अभी तक बहुत बच्चों ने फ्रीज कर लिया होगा चॉइस, अगर उनके मुताबिक उनको कॉलेज और ब्रांच मिला है तो। और बहुत बच्चे अपग्रेड भी कर लिए होंगे और बहुत बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं किया होगा। तो किन बच्चों को फ्रीज करना चाहिए, किन बच्चों को अपग्रेड करना चाहिए और किन बच्चों को कुछ नहीं करना चाहिए, तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि किन बच्चों को अपग्रेड करना चाहिए। दोस्तों आपको अलॉटमेंट मिला होगा, आपने चॉइस जब लॉक किया होगा तो 31 अगस्त को आपको अलॉटमेंट मिल गया होगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर आपका प्रेफर्ड ब्रांच अगर मिल रहा है आपको, अगर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका फेवरेट ब्रांच अगर आपको मिल रहा है तो आप फ्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको 5000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट के लिए, या किसी अगर आपके फेवरेट कॉलेज में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, अगर आपको अपना मन पसंदीदा ब्रांच और कॉलेज दोनों मिल रहा है तो भी आप फ्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको 40,000 देना पड़ेगा। अगर आप TFW है तो आपको 5,000 देना पड़ेगा। तो वो बच्चे जिनको मीन्स चाहिए, जो ब्रांच वो चाहते थे और जो कॉलेज वो चाहते थे, मतलब अच्छा कॉलेज और अच्छा ब्रांच अगर किसी बच्चे को मिल चुका है फर्स्ट ही राउंड में, तो वो मेरे ख्याल से उनको बस फ्रीज कर देना चाहिए और सीट अलॉटमेंट ले लेना चाहिए था, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके रख लेना चाहिए। तो उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो बच्चे जो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो मेक श्योर डैट कि आपने जो चॉइस फिलिंग किया है और अभी जो आपको अलॉटमेंट मिला है, और उसके ऊपर जितने भी चॉइसेस हैं वो या तो अभी वाले अलॉटमेंट से बेटर होने चाहिए या उसके बराबर होने चाहिए। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला, उन्हीं बच्चों को अपग्रेड करना चाहिए जिनका चॉइस अभी जो अलॉटमेंट मिला है उससे ऊपर में जो चॉइस भरे हुए हैं, वो लोग अभी अलॉटमेंट से जो ऊपर में जितने भी चॉइसेस है, अगर ऊपर वाले चॉइसेस अलॉटमेंट से बेटर है तो ही उनको अपग्रेडेशन करना चाहिए, अदरवाइज उनको अपग्रेडेशन नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट उनको कुछ नहीं करना चाहिए। तो वो बच्चों को मैं क्या कहूँ, तो सेकेंड राउंड जब होगा तो देखा जाएगा, उसमें हो सकता है आपको मिल जाएगा और हो सकता है आपको उसमें एक और चांस मिलेगा अपना चॉइस रिवाइज करने का, तो वो बात की बात है। लेकिन अगर आप अपग्रेडेशन करते हैं तो होगा क्या, अपग्रेडेशन होगा आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, आपने जो लिस्ट प्रिपेयर किया है उसी के अकॉर्डिंग आपका अपग्रेडेशन होगा। तो सेकेंड राउंड में आप चेंज नहीं कर पाएंगे अगर आपने अपग्रेडेशन पर मार दिया है तो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका अपग्रेडेशन होगा। और तीसरा कैटेगरी की बात करते हैं, जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट मिल गया है लेकिन वो कुछ नहीं करना चाहते, तो इसमें भी तीन तरह का होगा, मतलब एक दो तरह का होगा। एक किसी बच्चों को तो अलॉटमेंट एक भी मिला ही नहीं होगा तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो लोग ऑफकोर्स सेकेंड राउंड में वो लोग को जगह फिर से मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और कुछ बच्चे जिनको अलॉटमेंट मिल गया है लेकिन वो ऐसे ही कुछ नहीं करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सेकेंड राउंड में आप कंसिडर कर दिए जाएंगे, लेकिन इस राउंड का आपका सीट कैंसिल करके दूसरे को दे दिया जाएगा और आप सेकेंड राउंड में एंटर कर जाएंगे, तो उसमें कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि सेकेंड राउंड में मिल सकता है आपको उससे भी बेहतर, अगर आपका चॉइस फीलिंग सही है तो आपको सेकेंड राउंड में जाने के लिए कोई ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सेकेंड राउंड में सीधा काउंसलिंग पे बैठ सकते हैं, जो कि 11 सितंबर से शुरू भी होने वाला है और 24 सितंबर को आपको सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट भी दे दिया जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और हाँ, जो बच्चे फ्रीज कर रहे हैं वो अपग्रेडेशन में नो लगाएंगे, और जो बच्चे अपग्रेड कर रहे हैं उनको यस अपग्रेडेशन पे क्लिक करना है। और जो बच्चे अभी कुछ किए ही नहीं हैं उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो सीधे सेकेंड राउंड में करेंगे, फ्रेश नहीं, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो उनका अपलोड ही है, तो चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड में वो कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं वो देखा जाएगा सेकेंड राउंड में। अभी कुछ सिक्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि जो बच्चे कुछ नहीं करेंगे उनको सेकेंड राउंड में
चॉइस रिवाइज करने का मौका मिलेगा। हालांकि उनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि चेंज कर सकते हैं। तो सेकेंड राउंड आपका 11 सितंबर से शुरू होने वाला है, उस दिन सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप सेकेंड राउंड में उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर आप में से ज़्यादातर बच्चे का चॉइस फिलिंग सही होगा, और सही होना भी चाहिए क्योंकि आपको 14-15 दिन का टाइम मिलता है, उसमें भी आप लास्ट दिन आप देखते हैं कि गलत हो गया तो आपकी गलती है। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।